मॉर्निंग सत्याकाल की हाल चाल एंड कॉपिटॉल माय नेम इज अमन एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। नया दिन नई शुरुआत, नया संडे एंड आज का सीन ये है कि वी आर ट्रैवलिंग सोलो टू पंचेरी हिल्स एंड उधमपुर में बेसिकली। तो मज़ा आएगा। प्लान तो यह था दोस्तों के साथ जाने का, बट ठीक है सारे धोखा देगा, सुबह सुबह कोई नहीं उठा। तो मैं उठ चुका था टाइम से, 5 बजे उठा हूँ मैं। तो सोचा अब निकल जाते हैं क्योंकि उठ चुके, नींद तो ख़राब हो ही चुकी है। नींद क्या ख़राब हो चुकी है, 3 बजे तो मैं सोया था, 5 बजे मैं उठ गया हूँ। तो वही जो भी था छोटा मोटा नैप ख़राब हुआ, बट ठीक है विल बी राइडिंग टूवर्ड्स पंचेरी। बैंड अच्छी बजेगी बट मज़ा बड़ा आएगा। तो चलते हैं, थोड़ा थोड़ा मज़ा लेते हैं और मौसम काफ़ी सही है। रात को तो बारिश पड़ रही थी, मेरे को लगा था कि हो गया सीन ख़राब, बट मौसम काफ़ी सही है। निकलते हैं। और राइड स्टार्ट हो चुकी है, मतलब हर बारी मैं आपको बताता हूँ कि राइड स्टार्ट हो चुकी है और ये वॉबल कर रहा है। मेरे को लग रहा है कि ना इसके अंदर अगले टायर पे हवा का प्रेशर थोड़ा कम है, मेरे को लग रहा है वैसा। अब मैं पहले हवा चेक करवाऊँगा क्योंकि वॉबल नहीं करना चाहिए टायर बिल्कुल भी। एंड सेकेंडली राइड तो स्टार्ट हो चुकी है, मज़ा काफ़ी आ रहा है। सामने मौसम अगर आपको दिख रहा होगा, कैमरा जस्टिस कर रहा होगा, तो मौसम देख लो बड़ा ही ज़्यादा प्यारा है। ठंड लग रही है मेरे को, मैंने जैकेट वगैरह भी डाली हुई है, कब टी शर्ट मैंने मोटी डाल गया था, मेरे को लगा था थोड़ी ठंड होगी क्योंकि रात को बारिश पड़ी थी। तो मौसम बहुत प्यारा, ठंडा ठंडा मौसम है एंड बस इतनी है दुआ खुदा से कि बारिश नहीं पड़े यार, क्योंकि मेरे पास बहुत ऐसे इक्विपमेंट्स हैं सारे गीले हो जाएंगे और मैं वो नहीं चाहता, या मुझे रुकना पड़ेगा कहीं पे साइड पे। तो इक्विपमेंट्स का थोड़ा डर है, बाकी तो बारिश हो भी जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं भैया मैं लिफ्ट नहीं देता, और मैंने उस दिन किसी की वीडियो में देखा था कि इंडिया में लिफ्ट देना इज़ इलीगल। अब पता नहीं वो सच है नहीं है क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था उस चीज़ को रीचेक करने को गूगल पे, अगर आपको पता तो बता दो। वैसे तो प्लान मेरा बड़ी जल्दी निकलने का था, मेरा टाइम मेरा को लगा था कि मैं 5 या 6 बजे मतलब 5 बजे उठूंगा तो 6 बजे तक निकल जाऊंगा सनराइज़ से पहले पहले और आपको ब्यूटीफुल सा सनराइज़ दिखाऊंगा, बट नहीं हुआ भाई, थोड़ा लेट हो गए, क्या करें। लोगों की भी हिम्मत है तो सुबह इतनी जल्दी उठ के वॉक करने रनिंग करने चले जाते हैं, हम जैसे बेचारे नॉक्टर्नल लोग ऐसे बस देखते ही रहते हैं। हम उठेंगे अब बेचारे, हम तो सोते हैं उस टाइम पे यार, हम क्या करें। 300 का पेट्रोल, बट नहीं आज 300 का नहीं, आज 500 का पेट्रोल भरवाएंगे। मतलब थोड़े से ऐसे मतलब अमीर वाली हरकतें करेंगे, तो मतलब हमेशा 300 का डलवाते हैं, बट आज 500 का डलवाएंगे। 500 का इसलिए डलवाएंगे क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे पेट्रोल पम्प काफ़ी किलोमीटर तक नहीं है, तो पहले से डलवा के निकलेंगे। एंड हवा चेक करवानी है, हवा वाले भैया नहीं आए हैं क्या? हवा वाले भैया बैठे तो हैं शायद। भाजी भैया 510 रुपये का पेट्रोल, चेक हो जाएगी? हवा वाला नहीं आया यार, ये तो पंगा हो जाएगा। अब सारा सीन सही सेट हो गया हुआ है, मतलब हवा वगैरह भर चुकी है एंड अब टायर बिल्कुल बबल नहीं कर रहा, मेरे को लगा ही था हवा का सीन होगा, बट चलो ठीक है जो भी है सही है। अब निकलते हैं उधमपुर वाली साइड, उधमपुर से जाना है पंचेरी। केरंची तक हम होके आए थे एक बार ही, बट ऑब्वियसली बात है तब व्लॉगिंग नहीं की थी, बट अब व्लॉग शुरू किया तो मतलब पंचेरी जाएंगे सीधा, केरंची बाद में देखेंगे कभी किसी दिन, बट मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है ये बात नोट करनी चाहिए, ठीक है ना, लिख लो UPSC में आ सकती है बात कि आज का मौसम अच्छा था। एज़ फॉर नाउ अकेले ट्रैवल करने का काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मतलब सही में मज़ा है। एंड एक चीज़ की मेरे को टेंशन भी है कि मतलब मेरे को ना बड़े आराम से बड़े प्यार से जाना है और वापस आना है, क्योंकि मेरे को पता है अगर ये इसमें कुछ हुआ ऊपर नीचे गड़बड़, तो भैया वो जो हमारे अब्बू है ना पीछे बैठे हुए, वो काफ़ी मतलब ऐसे मतलब डांट पड़ेगी काफ़ी ज़्यादा कि मतलब आगे से जाना मत, मेरा निकलना बाहर बंद हो जाएगा। इसीलिए मेरे को काफ़ी आराम आराम से जाना पड़ रहा है, स्लोली एंड स्टेडिली। तो मतलब है खौफ, मतलब ऑब्वियसली बात है बिग बॉस का खौफ काफ़ी है। पीछे मौसम और हाथ में चाहे, मतलब सीन सारे सेट है, मतलब अपने अड्डे पे तो पहुंच गए चाय वाले, चाय की चुस्की ले रहे हैं एंड यहाँ से निकलेंगे। और क्या मस्त चाय बनी है इस टाइम पे और इस मौसम के साथ ना वाइब कर रही है चाय, मज़ेदार। अभी यहाँ से चाय पी के पता ना क्या करना है, आई डोंट नो कैमरा जस्टिस कर रहा है या नहीं कर रहा, बट अगर आपको सामने दिख रहा है तो वो वैष्णो देवी की पहाड़ी पे देखो, बादल नीचे हैं और इस साइड सनराइज गिर रही है पहाड़ के ऊपर, अल्टीमेट नज़ारा, मतलब जिसको कह सकते हैं वो अल्टीमेट नज़ारा ये वाला। मैं आपको सैडल करके दिखा देता हूँ, वो दिख रहा, तो वो सामने बादल है और इस साइड सामने सनराइज गिर रही है, अल्टीमेट चीज़, मतलब प्यारा आह मज़ेदार वाला मौसम।
और मज़ेदार वाले नज़ारे। यहाँ पे कॉन्वाई रुकी हुई है सारी, क्योंकि आई गेस कल बारिश हुई थी तो शायद लैंडस्लाइड वगैरह हो सकती है, तो रास्ते बंद है। श्रीनगर वाले कॉन्वाई सारी यहाँ पे रुकी हुई है, और यही सूचना समाचार यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अभी आराम आराम से ड्राइव करते करते हमको पता चला है कि भैया अभी हमको 61 किलोमीटर कवर करने के लिए लगेंगे 2 से 2.5 घंटे, तो मतलब आगे जाकर रोड्स काफ़ी नैरो हो जाएंगी, काफ़ी छोटी हो जाएंगी, और अपने को मिलेगी सिर्फ 30 किलोमीटर पर आवर की एक स्टडी स्पीड, तो अप्रॉक्स लगा के चल रहा हूँ। तो हम लेट हो गए हैं, जल्दी निकलना। हाँ तो बात ये है कि मतलब पंचेरी पहुँचे या ना पहुँचे, बट बीच में जो व्यू है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अब आप जैसे पीछे ही देख लो, पीछे तो देखो व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, तो व्यूज़ एंजॉय करते करते जाएंगे। पहुँचे नहीं पहुँचे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अकेले निकले अपना चिल करने के लिए निकले, और चिल अपना हो रहा है तो ऐसे ही चलता रहेगा। पंचेरी भले पहुँचे या ना पहुँचे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये स्पॉट इतना ज़्यादा प्यारा लग गया ना मेरे को, मतलब आधे घंटे से मैं यहाँ पर रुका हूँ, रील्स वगैरह शूट कर ली, फोटोज़ वगैरह क्लिक कर ली, अपनी भी क्लिक कर ली, माइक की भी क्लिक कर ली, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, कंटेंट वहाँ पे आने वाला है काफ़ी सही, ठीक है ना। यहाँ से निकलते पंचेरी जाने का यार मन नहीं हो रहा, मैं देख रहा हूँ कि थोड़े थोड़े और व्यूज़ मिले तो रुक के टाइम पास करके फिर वापस घर पे निकल जाऊँगा। 1-1.5 घंटा भी और आया यार आगे, कौन जाएगा, बट यू नेवर नो, माइंड चेंज होते कभी टाइम नहीं लगता, जैसे अभी हो गया, शायद चलते चलते मैं आगे निकल जाऊँ। सो पंचेरी इज़ वेलकमिंग अस विद द रेन। यहाँ पे थोड़ी सी ड्रिजल होनी शुरू हो गई है, पीछे आप क्लाउड्स देख रहे हो बिल्कुल नीचे है, काफ़ी मज़ेदार मौसम है। अभी भी 15 से 20 किलोमीटर दूर दिखा रहा है मैप पे, एंड 1 घंटे की दूरी और है, बट आई थिंक कि यहाँ से थोड़ी आगे जाके वापस मुड़ जाना चाहिए, बिकॉज इतनी बारिश में मैं करूँगा क्या, अगर बाई चांस ज़्यादा तेज़ बारिश होगी तो मेरे इक्विपमेंट सारे गीले हो जाएंगे, एंड आई डोंट वॉन्ट दैट। सो आई थिंक इज थोड़ा आगे चलते हैं, अगर ज़्यादा तेज़ बारिश होगी तो आई विल बी हेडिंग बैक, एंड भूख भी लगी है। नीचे काफ़ी ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स हैं, वहाँ पे हम बैठ सकते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वीडियो शूट कर सकते हैं, फोटो शूट कर सकते हैं, बट अगर ज़्यादा तेज़ बारिश होगी तो ऊपर जाने को कोई फ़ायदा नहीं है। ड्रिजल तक ठीक है, आई कैन मैनेज, फ़ोन वगैरह इतने गीले नहीं होंगे, बट उसके ज़्यादा आई हैव टू अबाउट द राइड, बट अभी तक काफ़ी मज़ा आ रहा है, अकेले घूमो बेस्ट है। रास्ता काफ़ी ख़राब है, ओके स्केटर ना हो जाऊँ, ये रही अपनी छोटी सी वाटर क्रॉसिंग, ओके 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 ओ गए भाई 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 भाई, बच गए बच गए बच गए। रास्ता काफ़ी ख़राब है यार यहाँ का, बट इसके ऊपर जाके तो सारे नज़ारे हैं, पैसे सारे उसी के, तो करते हैं ट्राई। भैया भैया पंचेरी कितनी दूर है, पंचेरी कितनी दूर है, 2 किलोमीटर 15 मिनट लग जाएंगे, ओके कह रहे हैं कि 2 किलोमीटर और है, चलो जहाँ इतना कर लिया ट्रेवल 2 किलोमीटर तो कर ही लेंगे जुगाड़, बट देखो यार मेरी कमर गई। आई फाइनली रीच है पंचेरी, और ये पंचेरी के थोड़ी सी आगे जाके ना कोई जंगल करके जगह है, एंड इट्स क्वाइट नाइस, लाइक
हर जगह पेड़ ही पेड़ और ऊपर देखो मज़ेदार सीन है यहाँ का। लोग बिल्कुल नहीं है, 4-5-6 लोग हैं। और अगर आपने कैंपिंग वगैरह करनी है आप यहाँ पे अपना कैंप लगा रख सकते हो और लगा सकते हो और कैंपिंग करो। और साथ में 2-4 आर्मी के कैंप्स लगे हुए हैं फॉर द सेफ्टी। बट जगह काफ़ी प्यारी है, बादल आगे पीछे से नीचे आए पूरे मज़ेदार ही उन्होंने, बादल इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बस अपना छोटा मोटा फोटो वगैरह खींचते हैं, थोड़े से रिलैक्स करेंगे क्योंकि थके हैं। क्योंकि 6 किलोमीटर आई गेस, हाँ 6 किलोमीटर तो पूरा ऑफ रोड ही था और कमर की बैंड बज गई, बुज़ुर्ग आदमी हिल जाता है। तो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे देन उसके बाद निकलेंगे, तब तक आप सिनेमैटिक्स देख लो। सिनेमैटिक वगैरह तो आपने देख लिया होगा, बट यहाँ पे ना पहले जब तक मैं सिनेमैटिक बना रहा था यहाँ पे बच्चे वगैरह थे, खेल रहे थे, लोग भी आ रहे थे, देख रहे थे, वो देख रहे थे मतलब ये कवर क्या रहा है, गिम्बल से ट्राइपॉड से कैमरा भी है, फोन भी है, सब कुछ है, मतलब इतने सारे इक्विपमेंट से करेगा क्या। तो वो भी आज पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में ही था, बट चलो इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। स्टार्टिंग में होता था कि मतलब ऐसे ना थोड़ा सा पब्लिक फेयर कि मतलब क्या बोलेंगे लोग एंड क्या ऑल एंड ऑल, अब वो फ़र्क नहीं पड़ता, वो फेस निकल चुका है, अब ठीक है आराम से करेंगे व्लॉग एंड ऑल। और मज़ा काफ़ी आ गया, दिन काफ़ी सही निकल गया। और मेरी ना बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे जाते हो ना तो मतलब कचरा मत फैलाओ, इतनी प्यारी जगह, इतनी अच्छी जगह, लोग आते हैं यहाँ पे मतलब डस्टबिन दिए हुए हैं बट स्टिल कचरा फेंक के चल जाते हैं यार, ऐसे अच्छा नहीं होता। मतलब अगर मेरी जगह अगर आप भी आओगे आपको कचरा मिलेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा ना, सीधी सी बात है। तो प्लीज़ डस्टबिन में डालो। भूख काफ़ी लगी है, नीचे जाएंगे उधमपुर वहाँ से कुछ खाएंगे, तो चले यहाँ से जाते हैं नीचे रोटी खाने के लिए। वापस आते थे काफ़ी अच्छी पेस पकड़ी हुई थी तो मैं कहीं रुका नहीं खाने के लिए। एंड पापा को कॉल आया था कि चिकन लेके आना है, एंड ऑब्वियसली आपको पता है इस रोड पे आओ तो पापा को चिकन चाहिए होता है। और ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली मांगेंगे तेरे को खाना है, ऐसे बोलना तेरे को खाना है, सीधे बोलो खाना है तो लेके तो वैसे भी आना था। तो अब मम्मा के लिए भी कुछ तो कुछ लेके जाना पड़ेगा क्योंकि वो वेजिटेरियन है, चिकन तो खाएंगे नहीं, तो उनके लिए पकौड़े पैक हो रहे हैं। तो मैंने सोचा पकोड़े के साथ थोड़ा मैं यहाँ पे खा लेता हूँ, चाय वगैरह पी लेता हूँ, उसके बाद घर पे आराम से जाके खाऊंगा क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं। अब थोड़ा तो रह गया, 10-15 किलोमीटर रह गया, उसके लिए भी मैं क्या यहाँ पे खाऊँ, घर पे जाके आराम से मस्त रह गया नहा धो के। तो अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अगर ब्लॉग पसंद आया कुछ भी हुआ तो शोर ज़्यादा आई नो बट स्टिल सब्सक्राइब वगैरह कर दो, ठीक है। इसको यहाँ तक रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।